नमस्कार, जय गौ माता मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल गो भारत पर और मैं आपका साथी भवानी सिंह। आज मैं आपको एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने वाला हूँ कि जैसे होता क्या है कि गायों को जो ड्राई पीरियड होता है, वो ड्राई पीरियड जैसे जैसे नज़दीक आता है तो वो कैसे पता लगता है, तो वो उसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि गायों के व्यवहार से भी पता चल जाता है कि कैसे। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप जो गायें हैं वो ड्राई पीरियड की तरफ बढ़ती जाती है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये हमारी गाय है सोमती, कांकरेज नस्ल की अच्छी गाय है, बहुत ही सीधी गाय है। और लेकिन आज सुबह की मैं बात बताने वाला हूँ, हुआ यूँ कि ये जो गाय है पिछली बार जो है 8 जून को इसने बछड़ी लाई थी, 7th lactation की, 7वां ब्याह की। अभी ये 8th lactation की प्रेग्नेंट है, तो ये 4 फरवरी को इस साल प्रेग्नेंट हो गई। तो अभी इसको दूध देते हुए लगभग 11 महीने और कुछ दिन हो गए। तो आज सुबह क्या हुआ, वैसे ये बहुत सीधी गाय है, आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसके गले लग जाऊँ तो अभी कुछ नहीं, कहीं पर भी जैसे हाथ फेर लूँ, देखो आप, जैसे इसके थनों में कहीं पर भी हाथ फेर लूँ कुछ भी नहीं करती, बहुत ही सीधी गाय है। लेकिन आज सुबह जैसे हुआ यूँ कि सुबह जब जल्दी दूध निकालते हैं, दूध निकालने का टाइम होता है लगभग 5:15 बजे, तो जब जैसे ही दूध निकाल रहे थे सुबह के टाइम, तो ये बहुत ही एग्रेसिव हो गई। तो आज सुबह के समय जब दूध निकाल रहे थे, उस समय ये जैसे ही दूध निकालने के लिए नीचे बैठे तो एकदम ये कूद गई और फिर वापस बैठे। तो भी ये क्या है कि पहली बार ऐसा है, जैसे मैंने इसको यहाँ से मोरे से पकड़ा था तो ये मेरे को मारने के लिए, मतलब सींगों से मारने के लिए, तो मतलब मेरे को भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि पहली बार। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत ही सीधी गाय है लेकिन उसकी ये जैसे लक्षण आते हैं, ये व्यवहार, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि गाय आगे अब धीरे धीरे दूध देना नहीं चाहती। और कई बार ऐसा भी होता है कई गायों में कि जैसे उनके अच्छा दूध होता है और एकदम वो कूद जाती है, कूदने का मतलब ये है कि एकदम वो दूध देना बंद कर देती है और वो नीचे बैठने नहीं देती, तो एक ही दिन में वो ड्राई के लिए चली जाती है, ड्राई हो जाती है, तो ये भी एक मतलब ख़राब है। तो आप ऐसा करें कि जैसे भी, जैसे अभी 11 महीने हो गए इसको दूध देते हुए और लगभग ये जैसे फरवरी में, ये जब 4 फरवरी को प्रेग्नेंट हुई थी, गाभिन हुई थी, तो ये 3 महीने और कुछ दिन हो गए हैं। तो अब मैंने क्या किया है कि इसको अब एक टाइम कर लिया दूध पे, दोनों टाइम नहीं निकालूंगा क्योंकि दोनों टाइम ये निकालने नहीं देगी। आज इसने एक ही बार जैसे कूदी थी और लेकिन फिर क्या है कि बार जैसे ज़बरदस्ती करेंगे तो ये बिल्कुल ही हम पूरा ही दूध खो देंगे। तो मैं अब इसको क्या शाम को दूध निकालूंगा और इसका जो कैटल फीड हम खिलाते हैं वो एक टाइम हो जाएगा, तो नेचुरली इसका दूध थोड़ा कम हो जाएगा। अभी ये टाइम का 2.25 किलो दूध देती है, तो दोनों टाइम के मिला के 4-4.5 किलो दूध है, तो एक टाइम करूँगा तो 3-3.5 लीटर दूध पे आएगी है। तो शाम का दूध निकालेंगे तो अभी क्या 2-2.5 महीने और ये दूध दे देगी एक टाइम पे, उसके बाद में फिर ये धीरे 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 ड्राई हो जाएगी और फिर ड्राई करना ही पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे दूध के लालच में आके दूध निकालते ही जाते, कई गायें क्या होती कि वापस गाभिन भी हो जाती है और गाभिन होने के बाद भी वो कंटिन्यू दूध देती रहती है, जबकि उनका जो अगली बार बच्चा देने का टाइम है वो बिल्कुल पास आ जाता है। तो ऐसे समय में आप ये ज़रूर कहें, मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, कम से कम गायों को 3-4 महीने तक का ड्राई पीरियड है जो वो देना चाहिए। तो हमारे इधर जो राजस्थान में राजस्थानी भाषा में हम बोलते हैं कि बंदीना, मतलब वो जो दूध देने का, दूध देते देते फिर वो दूध नहीं देती है और वापस उसका ब्याने का जो बीच का समय होता है उसको बंदीना यानी ड्राई पीरियड कहते हैं। तो अभी जैसे 3 महीने की गाभिन है, फिर 2-2.5 महीने और दे देगी यानी 5-5.5 महीने, 5.5 महीने बाद में फिर क्या है, गाय वापस बच्चा देती है
9 महीने और कुछ दिन लेती है, कोई 9.25 महीने ही ले लेती है, 9 महीना और 1 हफ्ता, कोई 10 दिन भी ले लेती है, कोई 12 दिन भी ले लेती है, लेकिन इतना ही लेती है 9 महीने और कुछ दिन। तो यानी कि अभी 5.5 महीने हो जाएगी इसकी मतलब प्रेगनेंसी के, तब ये दूध देना बिल्कुल ही बंद कर देगी। तो उसके पास समय बचेगा लगभग 3.5-4 महीने या 3.5-4 महीने। वो बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि कम से कम 3-4 महीने, अगर 4 महीने कई लोग अच्छा नहीं मानते हैं क्योंकि उनको चाहते हैं कि भाई दूध ज़्यादा हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर 4 महीने अगर कोई गाय ड्राई पीरियड लेती है तो भी अच्छा है, क्योंकि एक तो उसका जो अंदर जो बच्चा है पल रहा उसके पेट में, उसकी जो अच्छे पोषण के लिए भी उसको समय चाहिए, नहीं तो वो सिर्फ दूध में कन्वर्ट करती रहेगी, दूध लेते रहेंगे लेकिन अगले ब्याह में है ना वो गाय कमज़ोर होगी और दूध भी कम देगी। उसका मैं मतलब पर्सनल तौर पे भुगतभोगी हूँ। ये जो गाय देख रहे हैं मित्रों आप, ये गाय है लगभग टाइम का 7.5-8 लीटर दूध देती थी पिछले ब्याह में। तो हम भी क्या लालच में थे, तो ये क्या गाभिन हो गई, गाभिन होने के बावजूद भी ये इसका दूध आता रहा तो हम निकालते रहे, तो इसको मुश्किल से ही फिर ज़बरदस्ती हमने ड्राई किया तो इसको 1.25 महीने का ड्राई पीरियड मिला। तो इस बार की ब्यात में इसने दूध कम दिया, इस बार की ब्यात में दूध आ गई 4-4.5 किलो टाइम के दूध पर आ गई। तो आप देख सकते हैं मतलब ऑलमोस्ट आधा या 60% ही दूध है इस बार। तो अगर आपको हर ब्यात में अच्छा दूध चाहिए तो टाइम पे उसको ड्राई करना भी ज़रूरी है। एक गाय और बताना चाहता हूँ मैं आपको, वो देखिए बुगली है। तो ये बुगली भी जो सोमती है उसके 2 दिन बाद में गाभिन हुई थी, लेकिन ये जो इसने इस बार बच्चा दिया था तो ये सोमती से 2 महीने पहले, मतलब लगभग इसको 13 महीने हो गए दूध देते हुए। तो अब ये क्यों हुआ, ये भी वैसे बहुत सीधी गाय आप देख सकते हैं, मतलब मैं कहीं पर भी हाथ फेर लूँ जैसे ऐसे कर लूँ, देखो आप कितनी सीधी गाय है, कहीं मारती नहीं है। लेकिन ये भी अब क्या है, पिछली बार का इसका व्यवहार मुझे पता है, पिछली बार ये टाइम का 3-3.5 किलो दूध देती थी जब इसको 12-13 महीने हो गए थे दूध देते हुए। तो फिर हम दोनों टाइम निकालते रहे, फिर हुआ ऐसा कि एकदम कूद गई, यानी कि एकदम एक दिन के लिए हम बैठे थे दूध निकालने के लिए, तो फिर दूध निकालने ही नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं निकालने दिया, फिर बाद में तो छोड़ना ही पड़ा। तो उसमें क्या है कि थनों में दूध रह जाता है, तो कहीं गाय को आने वाले टाइम के लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि मेस्टिटिस जो थनेला रोग है, अगर दूध थनों में छूट जाता है तो उसके वो दिक्कत भी हो जाती है। तो इसलिए उसी के साथ मैंने सोमती के साथ आज से इसको भी एक टाइम पे कर दिया है, इसका भी दूध सिर्फ शाम को निकालेंगे, सुबह नहीं निकल। तो अभी ये टाइम का 3-3.25 किलो दूध दे रही है, तो दोनों टाइम के मिला के 6-6.5 किलो। तो एक टाइम अगर हम इस पे करेंगे तो ये 5-1 किलो दूध दे देगी। तो लेकिन होगा ये कि ये एकदम से दूध देना बंद नहीं करेगी, अभी ये भी लगभग 3 महीने और कुछ दिन की गाभिन है, तो 2-2.5 महीने ये भी दे देगी, और इसको भी लगभग 3.5-4 महीने का ड्राई पीरियड में दे दूंगा, तो इसके शरीर की रिकवरी भी हो जाएगी। तो प्रॉपर ड्राई पीरियड देने से मित्रों होगा ये कि गायों के शरीर की जो रिकवरी हो जाएगी, जो दूध देने से कुछ गायें कमज़ोर हो जाती है उनकी रिकवरी भी हो जाएगी, और जो अंदर जो बछड़ा बछड़ी पल रहा है उसको उचित पोषण भी मिलेगा। मेरे हिसाब से कम नहीं तो आप 3 महीने का तो कम से कम ड्राई पीरियड उनको देना ही चाहिए, इतना रेस्ट तो उनको मिलना ही चाहिए। हालांकि 3-4 महीने भी है कुछ गायें, जैसे मैं 4 महीने भी है, लेकिन 3 महीने से नीचे मैं किसी को इससे कम किसी को मैं देता नहीं हूँ ड्राई पीरियड, इससे ज़्यादा ही देता हूँ बाकी कम नहीं। आप सिर्फ दूध का ही लालच न करें क्योंकि अगले ब्यात में वो आपको घाटा हो जाएगा। आपकी गाय अगर सपोज कोई 10 लीटर टाइम का गाय है और आप उसका दूध निकालते रहे सिर्फ 1 महीने का या 15 दिन का ड्राई पीरियड दिया, तो अगले ब्यात में हो सकता है वो टाइम का 4 लीटर दूध ही करे, ऐसा भी होता है, मैंने देखा है कई, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो आप ज़रूर ये ध्यान रखें, गाय सिर्फ दूध देने की मशीन नहीं है, उसकी भी मतलब वो शरीर का अपना एक प्रक्रिया है जो नेचर है, नेचर के खिलाफ हमें नहीं जाना चाहिए। तो
मित्रों जरूर ये ध्यान रखें कि गायों को उचित ड्राई पी, लेकिन वो अपने व्यवहार से भी, जैसे गायें अपने अभी देखो देखो मैं इसको सहला रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मार रही है, लेकिन सुबह मतलब ऐसी इतनी एग्रेसिव हो गई थी कि बिल्कुल नज़दीक ही नहीं आने देती थी। तो ये एक व्यवहार में जो परिवर्तन के संकेत हैं उन संकेतों को हमें समझना चाहिए, उससे क्या है आप गायों को अच्छा रख सकते हैं। और अभी जैसे ये एट्थ लैक्टेशन में है, तो एट्थ लैक्टेशन में होगी तो लगभग ये मेरे को आशा है कि इस कंडीशन में, अच्छे कंडीशन में ये लगभग 14-15 ब्याथ दे देगी मेरे को, तो और दूध भी हमेशा वैसा का वैसा अच्छा ही देगी। तो मेरा ऐसा मानना है मित्रों, इस बात को आप छोटी ने समझ के बिल्कुल ध्यान दें तो आपको उसमें आगे लॉन्ग टर्म में बहुत ही फायदा होगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो है जो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मित्रों ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और मुझे खुशी होगी आपके प्रश्नों के उत्तर देने में। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय गौ माता।